Hello students, myself Lekh Narwal. Today in this part of chapter 6 we will discussing about the artificial kidney. अब artificial kidney के नाम से ही पता चल रहा है कि जो kidney है उसका artificial है वो, मतलब वो जो है खुद तैयार की गई है, मतलब वो kidney की तरह function कर रही है और इसको जो है process को hemodialysis भी बोला जाता है। तो मतलब ये artificial kidney ऐसा नहीं है कि body के अंदर fit की जाएगी और तब वो किडनी की तरह काम करती रहेगी, तो किडनी की रिप्लेसमेंट नहीं है लेकिन किडनी के फंक्शन को ये परफॉर्म करेगी। एक तरह की ये मशीन होती है, डिवाइस होती है। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल। तो किडनी जो है वाइटल ऑर्गन है, सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। सेवरल फैक्टर लाइक इन्फेक्शन, इंजरी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन है, इंजरी हो जाना या रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, तो इसके कारण जो है किडनी की एक्टिविटी में कमी आ सकती है। दिस लीड टू द अकोमोलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। अगर किडनी की एक्टिविटी में कमी आ गई तो पॉइजनस वेस्ट जो है बॉडी के अंदर अकोमोलेट हो जाएंगे, विच कैन इवन लीड टू द डेथ। तो इसके कारण क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है पर्सन की। इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज। तो किडनी फेलियर अगर किसी की होती है तो उस केस में जो है आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है। एन आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये जो ऐसा नहीं है कि वो बॉडी के अंदर फिट होगी, तो ये एक आर्टिफिशियल किडनी क्या है, एक डिवाइस है टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। तो ब्लड के अंदर जितना भी जो है नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो जो है डायलिसिस के द्वारा जो है रिमूव किया जाएगा। कि कौन सी प्रोसेस के द्वारा, डायलिसिस के द्वारा जो है रिमूव किया जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन, एन आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। तो ब्लड के अंदर जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको जो है डायलिसिस के द्वारा रिमूव किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब्स विद ए सेमी परमिएबल लाइनिंग। तो आर्टिफिशियल किडनी जो है उसके अंदर जो है बहुत सारी जो है ट्यूब्स होती हैं और ये इन ट्यूब्स के अंदर सेमी परमिएबल लाइनिंग बनी हुई होती है। सस्पेंडेड इन ए टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड। और ये जो ट्यूब्स होती हैं ये किसके अंदर सस्पेंड हुई होती हैं, किसके अंदर पाई जाती हैं, ये एक टैंक के अंदर होती हैं जिस टैंक के अंदर जो है डायलाइजिंग फ्लूइड भरा गया होता है। दिस फ्लूइड हैज ए सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। तो इस जो है डायलाइजिंग फ्लूइड का जो प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो जो है सेम रहेगा ब्लड की तरह ही। तो ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है उसका जो है ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा एज दैट ऑफ द ब्लड, एक्सेप्ट दैट इट डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होंगे, जबकि जो हमारी बॉडी के अंदर होता है तो उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट भी होता है ब्लड के अंदर, लेकिन इसका जो है जो डायलाइजिंग फ्लूइड है वो होगा ब्लड की तरह ही ऑस्मोटिक प्रेशर उसका, लेकिन उसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होगा। द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स। तो पेशेंट का जो ब्लड होगा वो जो है इन ट्यूब्स के थ्रू जो है पास आउट किया जाता है। तो मतलब ये दिखा रखा है डायग्राम के अंदर भी, बॉडी के जो है आर्टरी से जो है कनेक्शन दिया गया है ट्यूब को और ये जो है ब्लड एंटर कर रहा है यहाँ पर जो है इस मशीन के अंदर, और मशीन के अंदर जो है ये टैंक शो कर रखा है, ये वाला पोर्शन टैंक का है और इसके अंदर फिर डायलाइजिंग फ्लूइड है। ये डायलाइजिंग फ्लूइड जो है हेडिंग भी दे रखा है, एरो से शो भी कर रखा है, तो इसके अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड होता है और ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है वो फिर जो है नाइट्रोजन वेस्ट को जो है क्या करेगा, अलग करेगा ब्लड में से। अब उसके बारे में आगे है, ड्यूरिंग द पासेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। अब ये आई मेन जो है वर्किंग इसकी, जो आर्टिफिशियल किडनी है। तो मतलब जब ये ब्लड जो है पास हो रहा है इस टैंक के अंदर जो है जा रहा है ट्यूब्स के थ्रू, तो जब ये अंदर जाएगा तो उसमें जो डायलाइजिंग फ्लूइड है वो डिफ्यूजन के द्वारा उसके अंदर जितना भी वेस्ट होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, नाइट्रोजन वेस्ट होगा, उस सभी वेस्ट को ये क्या कर देगा, डायलाइजिंग फ्लूइड अलग कर देगा ब्लड में से। कौन सी प्रोसेस के द्वारा, बाई डिफ्यूजन प्रोसेस। तो इस तरीके से इसमें से वेस्ट जो है बाहर निकलता है, उसमें मेन रोल है इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन का, जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसका मेन रोल रहता है। द प्योरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। तो जो प्योरिफाइड ब्लड है वो फिर पंप बैक कर दिया जाता है, दोबारा से पंप कर दिया जाता है पेशेंट की बॉडी के अंदर। तो ये एरो से यहाँ पर शो कर रखा है, तो ये दोबारा से पेशेंट की बॉडी के अंदर पंप कर दिया गया। तो एक साइड से लिया गया और दूसरी साइड से दोबारा से उसको जो है पेशेंट की बॉडी के अंदर पंप आउट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये आर्टिफिशियल किडनी जो है काम
करती है। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी, यह जो सिमिलर फंक्शन करता है किडनी की तरह, बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व, लेकिन इसमें भी मशीन है तो थोड़ी कमियां रहेंगी। जो किडनी है वो बहुत एफिशिएंटली काम करती है और बॉडी के हिसाब से काम करती है, तो रीअब्जॉर्प्शन का फंक्शन ये मशीन नहीं कर पाएगी। आर्टिफिशियल किडनी रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है, जबकि जो नेचुरल किडनी है हमारी बॉडी के अंदर जो ओरिजिनल किडनी होती है तो वो रीअब्जॉर्प्शन का फंक्शन भी करती है। पढ़ा था हमने कि वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड या कोई भी जो न्यूट्रिएंट होता है इंपॉर्टेंट बॉडी के लिए और वाटर जो क्वांटिटी है उसको जो है रीअब्जॉर्व कर लेती है, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल किडनी है रीअब्जॉर्प्शन नहीं करती है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की। आगे है इसके अंदर, नॉर्मली इन ए हेल्थी अडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डे। तो मतलब एक हेल्थी पर्सन के अंदर जो किडनी जो है एक दिन में फिल्ट्रेशन करती है वो 180 लीटर जो है डेली का फिल्ट्रेट जो है बनाती है हमारी किडनी जो फिल्ट्रेशन करती है। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली ए लीटर और टू अ डे। तो मतलब जो है जो एक्सक्रीट किया जाता है, मतलब किडनी जो करेगी 180 लीटर जो है फिल्ट्रेट तैयार करेगी, मतलब 180 लीटर जो है ब्लड में से जो है नाइट्रोजन वेस्ट को जो है फिल्टर करके निकालेगी, फिल्ट्रेशन करेगी, उसको हमने फिल्ट्रेट बोला। लेकिन जो बॉडी से बाहर निकलेगा वो सिर्फ कितना रहेगा, 1 और 2 लीटर जो है एक दिन के अंदर रहेगा, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल। क्योंकि जो बाकी का जो फिल्ट्रेट होता है वो जो है रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है किडनी ट्यूब्यूल के द्वारा, इसलिए सिर्फ 1 या 2 लीटर ही जो है बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होता है वेस्ट जो है, बाकी जो है वो किडनी ट्यूब्यूल के द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस ये है इसका जो है मेन जो है फंक्शन जो ओरिजिनल किडनी होती है, तो ये रीअब्जॉर्प्शन का फंक्शन जो है आर्टिफिशियल किडनी परफॉर्म नहीं कर पाती है। अब इससे आगे है एक्सक्रीशन इन प्लांट। अब प्लांट्स के अंदर जो है कैसे एक्सक्रीशन होती है अब उसके बारे में है मेनली। तो कुछ हमने पढ़ा भी था कि किस तरीके से प्लांट जो है, तो मतलब ऑक्सीजन जो होती है वो एक्सक्रीट करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो एक जो प्रोडक्ट है उनका एक्सक्रीशन का वो ऑक्सीजन भी रहता है जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर एक्सक्रीशन, तो बहुत ही अलग स्ट्रेटजी रहती है प्लांट की जो एक्सक्रीशन की देन दोज ऑफ एनिमल, तो एनिमल के कंपेरिजन में ये बिल्कुल अलग रहता है। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो मतलब एक तरह से ऑक्सीजन जो वो प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो वो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है तैयार करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट डील विद द ऑक्सीजन एज वेल एज CO2, तो हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे जो है फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ी थी, तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि प्लांट कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ डील करता है। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाई ट्रांसपिरेशन, अब एक्सेस वाटर अगर उनकी बॉडी के अंदर होता है प्लांट की बॉडी के अंदर तो वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाता है प्लांट के द्वारा, ये हमने किया था। फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल, तो अदर वेस्ट को जो है रिमूव करने के लिए उनमें बहुत सारे फैक्ट्स काम करते हैं, जैसे कि उनकी बॉडी के जो है बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, जैसे प्लांट की जो बाहर का जो टिश्यू होते हैं वो डेड होते हैं, सेल्स डेड होते हैं, तो उनमें जो है जान नहीं होती है। एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट सच एज लीव्स, या फिर वो जो है जो बेस्ट रिमूव करते हैं वो तो जैसे लीव्स जो है जब झड़ जाती हैं तो उस दौरान भी उन लीव्स में से भी जो है बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जो है बाहर निकल जाता है, जो लीफ गिर जाएगी झड़ जाएगी तो उसमें से भी जो है वेस्ट मटेरियल जो है बाहर निकल जाता है। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल, और बहुत सारे जो प्लांट वेस्ट होते हैं वो सेलुलर वैक्यूल्स के अंदर, सेल का जो वैक्यूल होता है उसके अंदर भी स्टोर रहते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट मे बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट का तो वो लीव्स के अंदर भी स्टोर होता है, जो गिर जाती हैं नीचे झड़ जाती हैं लीव्स उनके अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन एंड गम्स, तो रेजिन और गम की फॉर्म में भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है स्टोर रहता है प्लांट के अंदर जो है, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, तो जो पुराना जाइलम होता है उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है रेजिन और गम्स। प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम, तो प्लांट जो है कुछ वेस्ट को जो है सॉइल के अंदर भी एक्सक्रीट करते हैं
तो जो सॉइल उनके अराउंड होती है तो रूट्स के थ्रू भी वो एक्सक्रीशन करते हैं और उस सॉइल के अंदर जो है वेस्ट को जो है दोबारा भेज देते हैं, डाल देते हैं, वेस्ट को जो है एक्सक्रीट कर देते हैं सॉइल के अंदर। तो ये था प्लांट्स के बारे में एक्सक्रीशन, और ह्यूमंस की एक्सक्रीशन के बारे में हमने कंप्लीट किया, और किडनी के बारे में भी हमने पढ़ा, और आर्टिफिशियल किडनी जिसको जो है हेमियोडायलिसिस भी बोला जाता है, या कई बार जनरल इसको डायलिसिस की प्रोसेस भी बोला जाता है, तो उसके बारे में भी हमने आज किया। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।